शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज एक ऐसी मैं स्टोरी लेके आया हूँ। ये 17 साल की जो नौजवान लड़की ताहिरा नाम है इनका, ये मेरे साथ मौजूद है। इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। एक तो पहले माँ बाप ने इसकी 50 से 60 साल इसके खामन की उम्र है जिससे इनकी शादी कर दी। 6 माह बाद उसने अपने घर में रखा और 6 माह रखने के बाद इसको घर से निकाल दिया। ये एक फुटपाथ पर रह रही थी। इसके पास ना घर है ना इसका कोई मकान है, बूढ़ा माँ बाप है। इसकी मुकम्मल स्टोरी सुनते हैं हमारे इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम भाई, जरा ऊंचा बोले, ये बताएं कि आपके साथ पहले तो आप ये बताएं कि आपकी 50-60 साल के आदमी से आपकी शादी हुई है, ये सारी वजह क्या है? बस शादी हुई है मुझे, मैं तो लाहौर में रहती थी इधर ही, वो भी इधर रहता था, मुझे नहीं पता था। जब मेरी शादी हुई मैंने उसको तब देखा, 6 माह उसने अफ्रीका पास रखा मुझे, तो वो खर्चा नहीं देता था, 1500 रुपया खर्चा देता था। फिर मेरे बच्चा होने वाला, वो उसने मेरे माँ बाप के पास भेज दिया। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, उसने हमें मेरे अब्बू ने कहा भाई उसका ऑपरेशन हुआ है आप लोग आए, वो नहीं है, कोई भी नहीं आया उसके पास, उन घर वालों से कोई भी नहीं आया, ना इसका अब्बू आया। अभी वो मेरे बच्चे को नहीं देखता, कभी धमकी लगा लेता, ऑपरेशन के पैसे भी मैंने लगाया। ऑपरेशन तो मेरे माँ बाप के पास हुआ था ना, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, ऐसे तब कर रहा। अब आप लोगों के घर में जाके काम करती है, आपके बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग हैं, आपके माँ बाप, आपका गुजारा कैसे होता है? बस एक घर में कभी 2000 मिल जाता है, 1000-1500 मिल जाता है, तो वो भी यहाँ पे काम करती हूँ, वो भी कहते हैं कि आपकी वो मेरी इमदाद कर देते, कभी मेरे बच्चे का दूध देकर दे देते, कभी कुछ कर देते हैं, तो भाई तो है नहीं, अकेली हूँ, गुजारा करना पड़ता है। वो ये बताएं कि आपकी शादी अपनी मर्जी से हुई थी या माँ बाप की मर्जी से? वो उसकी 50 साल उम्र आपकी 17 साल, ये तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये तो कभी जोड़ बन ही नहीं सकता, ये आपको हुआ कैसे सिलसिला? मेरे माँ बाप ने कहा था कि इधर शादी करनी है, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँ, तो फिर उसने कहा कि वो तो पहले कहता था ना कि उसने सही को शादी कर ली थी, जब भी शादी हो गई तो वो मुझसे तंग करता, कहता नहीं मैं नहीं ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, वो मुझे बहुत मारता था, वो ऐसे बहुत तंग करता था। फिर मैं उधर रही, मैंने कहा मेरा घर है, लेकिन वो उसने कहा कि नहीं, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। वो कहते कभी कहते कल उसने कहा कि मैंने उसको तलाक देनी है, ऐसे करना तंगे लगाता, सामान भी नहीं दे रहा, लेबर भी उन्होंने रख दिया, सामान भी रख दिया, वो भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, सब कुछ लेबर कितना 200 रुपये और कोई पैसे भी? हाँ जी पैसे भी हैं। कितने? 5 लाख उन्होंने लगवाया था, वो भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, सब कुछ उन्होंने रखा, सामान भी सारा लूटा। और जो जिसके साथ इसकी शादी हुई है ताहिरा बीबी की, वो पहले ही शादी शुदा है। ताहिरा बीबी मुझे इंटरव्यू से पहले बता रही थी उसकी बच्ची की एज मेरी एज से ज्यादा है, वो भी बताए ना जरा आपने। हाँ जी इसके पहले भी शादी हुई है ना, मेरे जितनी इसकी बच्ची है मुझसे भी बड़ी लगती है, तो वो उसने उसको भी छोड़ दिया, बच्ची को भी छोड़ दी और अपनी पहली बीबी को भी छोड़ दिया। और वो बच्ची कहाँ आज कल? वो बच्ची अपनी माँ के पास है, उसको भी छोड़ दिया उसने माँ के पास। ये बताएं कि जो उसने तलाक दी है वो माँ और बच्ची क्या काम करते हैं, कभी आपका उनसे रास्ता हुआ? हाँ जी वो हमारे साथ ही रहती है, वो अपना कर के कमा कर खाती रहती है, वो हाँ जी वो भी अपना करके। कोई आप पैगाम देंगी गवर्नमेंट को?